आज के इस वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे सेटिंग्स जो आपके गेम की गेम प्ले की एंड इसकी उसकी पता नहीं क्या क्या किसकी। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे ऐसे सेटिंग्स जो आप में से काफी सारे लोग को नहीं पता होंगे, कुछ कुछ लोगों को पता ही होंगे जो दिन रात गेम में घुसे हुए रहते हैं मेरी तरह। तो वीडियो को एकदम एंड तक जरूर से देखना क्योंकि कुछ कुछ सेटिंग्स नॉर्मल है जो आप सभी लोग को पता होंगे। एंड लास्ट वाली सेटिंग्स में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आपके पूरे गेम प्ले एक्सपीरियंस को चेंज कर देगी, मतलब इतना ज्यादा ओवर पावर चीज है जो आप सभी लोग को पता होना एकदम जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये आज की वीडियो की शॉर्ट आउट। एंड अगर आप सभी लोग को भी मेरे वीडियो में शॉर्ट आउट चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दो। यार कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल तुम लोग, मुझे बुरा लग रहा है बहुत। इस वीडियो पे 200 कमेंट्स हो जाने चाहिए, हर बंदे दो दो कमेंट कर देना, हो जाएंगे आराम से 200 बंदे जितने लोग देख रहे हो, कर देना यार। याद से बुरा लगता है, तुम लोग लाइक कर देते हो, ज्यादा लोग नहीं करते बट कमेंट तो कर दिया कर दो यार। तो हमारी जो सबसे फर्स्ट सेटिंग आती है वो आती है पेपर डॉल की। तो यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है, आप सभी लोग को वीडियो में जाकर पेपर डॉल सेटिंग्स को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप सभी लोग स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो कि छोटी सी गुड़िया आपकी कैरेक्टर की आ जाएगी। एंड आप जो जो मूवमेंट करोगे वो आप सभी लोग को दिखाई देगा वहाँ पे। एंड गाइस आप सभी लोग में से काफी लोग सोचते होंगे कि इसका यूज क्या है। तो गाइस अगर मान लो आप सभी लोग माइनिंग कर रहे हो एंड ऊपर नीचे दोनों से ब्लॉक आपका ढका हुआ है एंड आपको डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा कि आप नीचे खोद रहे हो ऊपर खोद रहे हो क्या कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप सभी लोग का ये हेल्प कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट सेटिंग्स है वीडियो सेक्शन में हाइड HUD का ऑप्शन। इसको आप सभी लोग ऑन कर दोगे तो देख सकते हो कि स्क्रीन के सारे बटन जो है वो सभी के सभी गायब हो चुके हैं। एंड गाइस इसके मदद से आप सभी लोग सिनेमैटिक शॉट्स एंड काफी ज्यादा OP स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड मुझे अच्छा लगा तो मैं इस वाले वीडियो में डाल देता हूँ। बट गाइस आप सभी लोग सोच रहे हो कि ये क्या नॉर्मल चीजें बता रहा है, ये सब चीजें तो मुझे मालूम ही है। तो गाइस आप सभी लोग वेट कर लो, लास्ट में दो और चीजें बताऊंगा जो सबसे ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो हमारा नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है आउटलाइन सिलेक्शन। आउटलाइन सिलेक्शन को आप सभी लोग वीडियो सेक्शन में जाकर के ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने के बाद जब आप गेम में वापस जाओगे बैक करके सेटिंग से, तो गाइस आप सभी लोग को जो भी ब्लॉक पे आपका क्रॉस एयर रहेगा वहां पे आप सभी लोग को एक आउटलाइन दिख जाएगा जिससे आप सभी लोग को हिटबॉक्स दिखेगा उस ऑब्जेक्ट का या ब्लॉक का जिसपे आप सभी लोग का ये रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस एयर रहेगा उसका आप सभी लोग को हिटबॉक्स दिख जाएगा। बट ये गाइस सिर्फ ब्लॉक्स पे काम करता है, ये मॉब पे काम नहीं करता है, तो डोंट वरी। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले फीचर की ऊपर। तो दोस्तों आप सभी लोग के साथ भी मेरे तरह ये चीज़ जरूर होता होगा कि आप सभी लोग एक न्यू सर्वाइवल वर्ल्ड बनाते हो एंड गाइस उसके बाद जब स्पॉन देखते हो तो स्पॉन के सामने बस जंगल ही जंगल रहता है, ना कोई स्ट्रक्चर ना कोई विलेज और ना ही कुछ लूट, एकदम मतलब लगता है कि क्या ही करूँ भाई क्या फ़ायदा ऐसे करके। तो गाइस ये वाला सेटिंग्स आप सभी लोग के लिए, ये एक्चुअली में कमांड है, आप सभी लोग को मैसेज में चले जाना है एंड उसके बाद स्लैश करके लोकेट लिख देना है। एंड लोकेट करने के बाद आप जिस भी चीज़ का नाम लिखोगे जैसे कि मॉन्यूमेंट, पिलेजर आउटपोस्ट, एंशियंट सिटी, शिपरैक, विलेजेस, कुछ भी लिख सकते हो आप सभी लोग, सभी चीज का जो है कोऑर्डिनेट आप सभी लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने स्लैश विलेज लोकेट किया, मतलब स्लैश लोकेट विलेज किया एंड यहाँ पे मुझे जो है उसका कोऑर्डिनेट दिख गया। मैं यहाँ पे चाहूँ तो सर्वाइवल में आराम से जा भी सकता हूँ या फिर थोड़ा बहुत चीटिंग चलती है तो टेलीपोर्ट भी कर सकता हूँ खुद को। एंड गाइस बस इतना ही नहीं, मैं आप सभी लोग और कुछ करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लैश लोकेट एंड लोकेट के बाद लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि गाइस स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है सभी लोग को। तो गाइस ये वाला कमांड डाल के आप सभी लोग को इजिली उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एंड ये जो लोकेशन वाला कमांड है ये सिर्फ ओवरवर्ल्ड में काम नहीं करता, आप सभी लोग अगर नेदर में भी हो गया, नेदर में स्लैश फोर्टस लिखोगे या फिर बैस्टियन लिखोगे तो आप सभी लोग को नेदर में भी उसका कोऑर्डिनेट ये बता देगा। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग एंड में हो एंड एंड में अगर आप सभी लोग एंड सिटी नहीं मिल रहा है तो गाइस आप सभी लोग में वहां पे भी इसका यूज कर सकते हो। लोकेट स्लैश मतलब स्लैश लोकेट एंड सिटी लिखोगे एंड आप सभी लोग को जो है वो एंड सिटी का कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएगा जिसके मदद से आप सभी लोग आराम से जाके इलाइट्रा ले सकते हो। मजा आया। तो गाइज वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड कमेंट सेक्शन में एक OP सा वीडियो का लिंक है, उसमें व्यूज नहीं आया तो मैंने पिन कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग उसको जाके एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। एंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।